नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ एक बार फिर मैं हूं आयुष मिश्रा। मौका भी था और दस्तूर भी, लेकिन टीम इंडिया ने एडिलेड के पिंक बॉल टेस्ट में इस पूरे मौके को बड़े ही आसानी से अपने दोनों हाथों से गंवा दिया। इस मौके को लपकने की बजाय भारतीय टीम ने पूरी शिद्दत के साथ इसे गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजा ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हें बड़ी ही बेइज्जती का सामना करना पड़ा। सिर्फ 3 दिन में अगर यह हार मिलती तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन यहां तो विराट की पलटन ने टेस्ट क्रिकेट में टीम इंडिया के सबसे कम स्कोर की एक नई स्क्रिप्ट लिख डाली। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की उछाल लेती गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाजी मात्र 36 रनों पर थम गई। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले टीम इंडिया का सबसे कम स्कोर जो कि 42 रन था, उसका भी रिकॉर्ड अब टूट चुका है। एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेट से हराया। उसके लिए 90 रन के आसान से लक्ष्य को मेजबान टीम ने महज 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसी के साथ कंगारू टीम ने 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त तो हासिल कर ही ली, साथ ही पिंक बॉल टेस्ट में उसने अपने 100% जीत के रिकॉर्ड को भी बरकरार रखा। वहीं भारत को अपने दूसरे पिंक बॉल टेस्ट में ही हार का मुंह देखना पड़ा। ये विदेशी धरती पर टीम इंडिया का पहला पिंक बॉल टेस्ट था। एक टीम को टेस्ट मैच जीतने के लिए जरूरी होता है फर्स्ट इनिंग में लीड लेना। एडिलेड में टीम इंडिया को ये लीड बखूबी मिली, उसे 53 रनों की बढ़त हासिल हुई। टेस्ट मैच में अभी 3 दिन बाकी थे, यानी कि मौका भी था और दस्तूर भी। टीम इंडिया चाहती तो इसे भुनाकर जीत की नया पटकथा लिख सकती थी और सीरीज की शानदार शुरुआत भी। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को पता नहीं किस बात की हड़बड़ी थी कि सब के सब गड़बड़ कर बैठे। भारत ने एडिलेड में दोनों पारियों में मिलाकर 280 रन बनाए और 20 विकेट गंवाए। इन 20 विकेटों में पहले 3 विकेट 188 रन पर गिरे, जबकि बाकी के 16 विकेट ने मिलकर मात्र 92 रन जोड़े। टीम इंडिया के बुरे हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने आखिरी के 13 विकेट मात्र 47 रन पर गंवा दिए। अब ऐसे में भला इनसे 5 दिन खेलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। एडिलेड टेस्ट की दूसरी पारी में भारत का कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं छू सका। रहाणे और पुजारा के लिए तो खाता खोल पाना भी काफी मुश्किल हो गया था। टेस्ट क्रिकेट में 96 साल बाद ऐसा हुआ जब किसी भी टीम का कोई बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को ना छू सका हो, और ऐसा 7वीं बार हुआ जब भारतीय टीम को 50 रन से ज्यादा की लीड मिली हो और उसके बावजूद भारतीय टीम मैच गंवा दे। और इन 7 में से 4 बार तो भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के हाथों ही हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम वापसी करती है या 4-0 की जो बात चली आ रही थी वो सच होती दिखाई देगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। फिक्र आपकी सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।